हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मालपुए की रेसिपी, जो भी इंस्टेंट बन के तैयार होगा। आपको इसमें ना ही उसको घंटों भिगोने की झंझट है कि बैटर को आपने भिगोया है, आप फटाफट इसे बना सकते हैं और तीज पे या फिर किसी भी ओकेजन पे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी के इंस्टेंट मालपुए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और मैं उसमें डालूँगी एक कप सूजी। सूजी मैंने यहाँ पे बारीक वाली ली है दोस्तों, तो आप भी बारीक वाली का यूज़ करें। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आपके पास जो मोटी वाली सूजी है उसको मिक्सर जार में एक बार घुमा लें। अब मैं डालूँगी इसमें हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे दरदरा कूटा सौंफ लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मालपुए के अंदर। 1/4 टी स्पून इलायची पाउडर, 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है, इसे भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे भी डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप के करीब फ्रेश मलाई, ये जो दूध पे मलाई आई है मैंने उसी को लिया है, इसे भी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे मालपुए के अंदर। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम ले सकते हैं या फिर 2 चम्मच के करीब आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसका स्मूथ बैटर बनाना है। बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए बैटर में, तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो ये बैटर हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं। इस टाइम आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा होगा, पर फ्रेंड्स हमें अब ये 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़नी है। तो इस दरमियान बाद में हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर देंगे। ये दूध डाल के दूध मेरा बच गया है और अभी मैं इसकी चाशनी बना के तैयार कर लूँगी। इतने तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब मैं डालूँगी इसमें 1 कप चीनी और उसी कप से मैं डाल दूँगी इसमें नाप के 1/2 कप पानी। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें लगातार हिलाते हुए इसको पकाना है। ये हमने धीमी आंच पे पकाते हुए चाशनी को तैयार कर लिया है, हमें एक तार की चाशनी बना के तैयार कर ली है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए अंगूठे के और उंगली के बीच में तार हमारा बनने लगा है। तो हमें एक तार की चाशनी चाहिए, चाशनी हमारी बन के तैयार है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, 1/2 घंटा हो गया है। हम अपनी सूजी को चेक कर लेते हैं, ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल ही फूल के तैयार है, बस थोड़ा गाढ़ा है। तो हम इसमें दूध डाल देंगे, ये हमारा 1 कप में से ही बचा हुआ दूध है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हमारा 1 कप पूरा दूध बैटर बनाने में लग गया है। अब हम अपना मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म है, हमें बहुत ज़्यादा हीट वाला ऑयल गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें ऑयल को गर्म करना है। अब हम इस तरीके से बैटर को चला लेंगे और इस तरह के लैडल से इस तरीके से डाल देंगे, शेप अपने आप ले लेगा दोस्तों। इस तरीके से जितने आपकी कढ़ाई में आए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हमें इनके ऊपर डालना है जिससे ये अच्छी तरीके से फूल जाए और नीचे से इनको गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक हमें फ्राई करना है। नीचे से हमारे मालपुए गोल्डन ब्राउन कलर के होने लगे हैं तो हम इस तरीके से इनको पलट देते हैं, बड़ी सावधानी के साथ हमें इनको पलटना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारे मालपुओ पर। तो इस तरीके से हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह सिक जाए। ये मालपुए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से पहले हमें इनका ऑयल थोड़ा सा निकाल देना है दबा के, इस तरीके से फिर मैं इनको निकाल लूँगी।
इसी तरीके से सभी मालपुए का हमें एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही निकाल देना है और इनको एक प्लेट में रखते जाना है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के मालपुए भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इनको भी इसी तरीके से पलट देते हैं। ये देखना कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है हमारे मालपुओं पे। इसी तरीके से हम अपने सारे मालपुए बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपने सारे मालपुए फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे चाशनी भी हमारी गुनगुनी गरम है, तो अब हम इसमें डाल देंगे इन मालपुओं को और 3 से 4 मिनट तक इनको इसी तरह चाशनी में डूबे रहने देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से चाशनी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। 3 से 4 मिनट तक इनको इसी तरीके से छोड़ देंगे। 4-5 मिनट हो गए हैं, अब हम मालपुओं को निकाल लेते हैं और एक प्लेट पे रख लेते हैं और बाकी के बचे हुए मालपुओं को भी इसी तरह चाशनी में डाल देंगे। इन्हें भी 4-5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे ही। ये हमने मालपुओ को चाशनी में से निकाल दिया है। अब थोड़े से पिस्ते और बादाम से हम इनकी गार्निशिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारे मालपुए बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल इंस्टेंट आप बना सकते हैं इनको। तो फ्रेंड्स, आप भी इन्हें बनाएं आज तीज के दिन और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।